नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑक्टोपैड गुरु में। तो दोस्तों, आज मैं जो पैच लेकर आया हूँ वो है ढोलक तबला मिक्स का। इसको मैंने रील्स में डाला था तो काफ़ी लोगों ने पसंद किया, तो इसका बट प्लेइंग स्टाइल नहीं था, तो मैं आज पूरा वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें आपको मैं इसका प्लेइंग स्टाइल भी बताऊँगा। तो चलिए सबसे पहले तो देख लेते हैं कि क्या क्या पैटर्न्स बजे थे। वैसे तो आप इसमें काफ़ी सारे पैटर्न्स बजा सकते हैं, बट मैं आपको कुछ पैटर्न्स बता रहा हूँ। चलिए देखते हैं सबसे पहला पैटर्न क्या बजाया था। ये देखिए, एक पैटर्न तो ये हो गया। चलिए दूसरा पैटर्न देखते हैं। तो एक ये पैटर्न था। अब दादरा का पैटर्न देख लेते हैं। तो देखा दोस्तों, ये कुछ पैटर्न्स मैंने बजाए थे। आप इसमें बहुत सारे अलग अलग काफ़ी सारे पैटर्न बजा सकते हैं, जैसे कव्वाली का भी बजा सकते हैं। तो इसमें आप काफ़ी सारे पैटर्न्स बजा सकते हैं इजीली। तो चलिए, अभी तो मैंने जो पैटर्न्स बताए थे मैं उसी का आपको प्लेइंग स्टाइल बताता हूँ। तो सबसे जो फर्स्ट पैटर्न था उसका प्लेइंग स्टाइल देखते हैं। जो पैटर्न था ये है ना, तो चलिए इसका प्लेइंग स्टाइल देखते हैं। सबसे पहले तो ये बजा हुआ है, ये फिर ये फिर ये आई होप आपको समझ में आया होगा। और स्लो करके बता देता हूँ। देखा, आपको ये समझ में आ गया होगा इजीली। अब इसका पिकअप कैसे लगा सकते हैं, है ना, तक के टेस्ट। तो ये पिकअप हो गया। अब इसका जो वेरिएशन है वो कैसा है, ये वाला। तो चलिए इसको सीख लेते हैं कैसे बजा हुआ। ये देखिए, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह, पूरा 16 का आवर्तन में आया हुआ है। तो कैसे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह, है ना। ये वापस एक आ गया, है ना, ऐसे करके बजाना है 16 काउंटिंग में ये।
ये इस तरीके से, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगला पैटर्न देख लेते हैं, वो क्या है, ये था। तो अब ये कैसे बजाए देखिए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, 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 एट आवर्तन में, आठ आवर्तन में है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ये हो गया। देखिए स्लो करके बताता हूँ, है ना, समझ में आ गया होगा। अब इसका बीच का जो पैटर्न है वो कैसे बसता है, जो वेरिएशन है वो तो ऐसे ही चलेगा ये वाला। अब यहाँ पर जब भी यहाँ पर आएगा तो ये हाथ यहाँ आएगा, दो बार, है ना, आपको समझ में आ गया होगा इजीली। तो चलिए अब इसके आगे वाला पैटर्न देख लेते हैं जो डबल में बजता है, ये वाला। तो ये कैसे बजाए, बहुत ही इजी है, बस ऐसे ही बजाए। तो देखा ये इसका पैटर्न हो गया। तो चलिए अब देख लेते हैं कि दादरे का पैटर्न क्या है, है ना, ये भी हो गया। अब दादरा कैसे बजाता, छह मात्रा में, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन चार पाँच छः, है ना, तो कैसे, एक दो तीन चार पाँच छः, फर्स्ट में यहाँ आ रहा है, सेकंड वाले के आवर्तन में यहाँ पर आ रहा है, एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः। आप चाहो तो ढोलक के साथ ये लगा सकता लगता है वैसे तो, और अच्छा लगेगा। हो गया, ठीक है, चलिए अब इसका वेरिएशन। ऐसे आता है, और एक पैटर्न और था कैसे बजा, वो यहां की जगह यहीं बजेगा, दो बार तबले पर, एक दो तीन, ये हो गया। और एक और पैटर्न था वो भी बताता हूँ, उसमें आपको ये बजाना पड़े, वो आएगा, ये ऐसे भी बजा सकते हैं इस पे आके, है ना, और नहीं तो ऐसे। ये था कुछ वेरिएशन, आपको आई होप समझ में आया होगा। स्लो करके एक बार ये वाला पैटर्न और बता देता हूँ। और यहाँ पर ये हो गया, है ना, कव्वाली वाला पैटर्न बजाना, तो कैसे, एक दो, तो दोस्तों अभी तो ये कुछ पैटर्न्स थे जिसकी प्लेइंग स्टाइल मैंने आपको बताई, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं आप किसी अगले वीडियो में, बाय बाय।